अपराध और अपराधियों के कारनामों ने करहा रहे प्रतापगढ़ जिले के डीआईजी प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने पीबीडीसी में महिला सुरक्षा के टिप्स दिए। इसके बाद डीआईजी पुलिस लाइन के सही कॉम्प्लेक्स में जिले के थानेदारों सहित सभी मातहतों की क्लास लगाई। इसके साथ ही नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि नवागत एसपी की निगाहों में अपनी छवि मेंटेन करने के चक्कर में फर्जीवाड़े से भी पुलिसकर्मी बाज नहीं आ रहे। पुलिस छुटभाइयों पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ों पर हाथ डालने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की ज्यादा किरकिरी तो तब हुई जब मऊ आयमा में इनकाउंटर में घायल युवक के हाथ में वो तमंचा नजर आया जिसमें ट्रिगर ही नहीं था, तो कैसे पुलिस पार्टी का पर फायर हुआ। जिस सफारी कार में चार तमंचे पुलिस ने दिखाए, इसमें तीन तमंचे 315 बोर के, एक तमंचा 12 बोर का और एक कारतूस एक दर्जन, वो भी सिर्फ 12 बोर के। खास बात यह रही कि सभी असलहों में इस कदर जंग लगी थी कि फायर होना संभव ही नहीं था, जिसके बाद सोशल मीडिया में जमकर किरकिरी हुई। आनन फानन में डीआईजी ने मामले को संज्ञान में लेकर थानेदार को एसपी को लाइन हाजिर किया।